हेलो जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने अर्जन गुलेन सिटी लाइफ में। तो इस वक्त टाइम 6 o'clock हो रहा है, 6 o'clock नहीं, 6:30 हो रहा है। और मैं और हस्बैंड जा रहे हैं बाहर। और क्यों जा रहे हैं बाहर, यानी कि हमारी जो ओनर है उनके यहाँ फंक्शन है, उनकी बेटी की यहाँ बेटी हुई है, तो उन्होंने आज झूला फंक्शन रख रखा है। तो सोचा कि चलो हम जाके आते हैं, क्योंकि पहले भी ना उनकी लड़की की शादी थी, हम लोग नहीं जा पाए, गांव में थे हम। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं तेलुगु शादी देखूंगी, लेकिन नहीं हुआ। और सोचा था आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी यहाँ की शादी कैसी होती है। उस टाइम गांव में थे, तो सोचा चलो आज जाके आते। वैसे ना लंच टाइम में था प्रोग्राम, लेकिन बच्चे भी दोनों बिजी थे और हस्बैंड भी गए थे ड्यूटी, यानी कि बाद में जाना नहीं होता है, तो आज ही जाके मिल के आ जाते हैं। और तो रेडी हो आप? तो पूजा साहब रेडी हो गए हैं, देखते हैं अभी वीडियो बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो आगे जाके ही पता चलेगा। तो चले, वैसे भी अंधेरा होने वाला है यहाँ ना, 7 o'clock तक का अंधेरा भी होगा। तो अभी हम जा रहे हैं और ना वो देखते हैं, अभी गिफ्ट वगैरह भी लेना है, कहाँ मिलेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो पहले तो जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं ना, तो वहीं रहते थे ऑनर, लेकिन अभी उन्होंने शिफ्ट किया है। अभी 1 साल हो गया उनको शिफ्ट किए हुए, तो घर भी देख के आ जाएंगे उनका न्यू, और मिलना भी हो जाएगा उनकी बेटी से भी, और जो छोटी सी नन्ही बच्ची हुई है उसको भी देख के आ जाएंगे। तो देखिए, हम निकल चुके हैं और अंधेरा भी होने वाला है। और हमने ना गिफ्ट देखा था, लेकिन हमें ना कुछ खास पसंद नहीं आया था गिफ्ट, फिर हमने नहीं लिया था। फिर वहाँ की वीडियो मैंने बनाई भी थी, यानी कि शॉप की, लेकिन फिर मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं किया, क्योंकि फिर हमने गिफ्ट ही नहीं लिया, तो फिर उस वीडियो का शेयर करने का क्या मतलब था। फिर हमने प्रेजेंट कार्ड जो लिया उसमें ही हमने पैसे डाल दिए थे, क्योंकि पहली बार जाना है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और बेबी को पहली बार देखना है तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी उनके घर का हमने गेट क्रॉस कर लिया है, और ये देखिए यहाँ का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था शाम के टाइम, और घर भी बहुत प्यारे थे, और घर भी बहुत बड़े थे, और उनका भी घर बहुत बड़ा था। तो मैंने सारा घूम के देख लिया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे उनके घर में, मुझे अच्छा नहीं लगा था वहाँ वीडियो बनाना। तो बोले कि कभी आप फ्री हो के आना, तब आप वीडियो बना लेना। तो फिर मैंने झूले की वीडियो बनाई थी खाली, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये झूला डेकोरेशन, तो मैं सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और मैं ना ये ऐसा डेकोरेशन जो पहली बार देखा था, और पहले जब कब देखा था, 1998 में जब हम लोग पहली बार यहाँ आए थे, तो उस टाइम इतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करते थे, लेकिन अभी जो है कितना प्यारा डेकोरेशन किया है। तो काफ़ी सालों के बाद यानी कि मैंने झूला फंक्शन देखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। तो आप भी बताएं कि आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा ये झूला फंक्शन साउथ इंडियन वाले करते हैं, तो कैसा पसंद आया है। तो देखिए बहुत प्यारा लगा था मुझे। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं, और काफ़ी अंधेरा भी हो गया था, और उन्होंने ना खाना खिला के हमें भेजा था, और फिर उस टाइम ना लाइट भी चली गई थी, और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी वहाँ से। हाय एवरीवन, सो इस वीडियो का नरेशन मैं करने वाली हूँ। तो अभी मम्मा पहुँच गए हैं, एंड फंक्शन जो था वो दोपहर का फंक्शन था, एंड यहाँ एंड मम्मा और पापा शाम के टाइम में पहुँचे थे, तो ऑलमोस्ट सारा डेकोरेशन जो था वो रैप अप कर दिया था। तो उनको बस एक ही चीज़ डेमो करने का मिला था, दैट इज़ द झूला पार्ट। तो उन्होंने इस तरीके से झूला ही था रह गया वहाँ का। हाँ, तो उन्होंने इस तरीके से डेकोरेट किया था कि इट वाज लिटरली सो गुड, प्यारा था, बहुत प्यारा था, एंड दैट वाज जस्ट अ स्मॉल डेमो एक्चुअली। काश मैं भी होती वहाँ पे, अब आई एम फीलिंग दैट। नहीं, तो आपको याद कर रहे थे दीदी, बहुत याद कर रहे थे। हाँ, मुझे एक्चुअली उनकी दीदी भी आंटी भी सब याद कर रहे थे, काजल भूमि आई, काजल भूमि आई। एक्चुअली वो जो फंक्शन था वो उनके वहाँ पे बेबी बॉर्न हुआ था, एंड वो यहाँ पे साउथ इंडियन के कल्चर में कैसा है कि वो ये कहते हैं, तो वो फंक्शन उन्होंने रखा था। एंड फिर मम्मा पापा लेट पहुँचे थे, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए, एंड बहुत मिस कर दिया हमें वैसे ना। हाँ, अगर आफ्टरनून को जाते ना आपके साथ, बहुत अच्छा, यानी कि आपके साथ शेयर करते हो, अब भी देखते कि साउथ इंडियन वाले कैसे फंक्शन करते हैं बेबी का। हाँ, एंड डिफरेंस पता चलता आपको, मतलब पहले मम्मा की वीडियोस में नॉर्थ इंडियंस की ऑलमोस्ट फंक्शंस कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पे साउथ इंडियंस जो होते हैं कैसे अपने फंक्शंस
कंडक्ट करते हैं और कैसे उनका डेकोरेशन रहता और है हम वैसे भी कंपैरिजन देख सकते थे। और हम वैसे भी ना उनके हाउस में जो पहली बार गए थे कब से बुला रहे थे हमें कि आ जाओ देखने के लिए आ जाओ, लेकिन हमारा जाना हो नहीं रहा था। लेकिन बहुत प्यारा हाउस है, तो बोले थोड़ा आप डे में आना और पूरा जो है वीडियो आप निकाल लेना, तो आपके साथ भी वो वीडियो हम शेयर करेंगे उनका होम टूर। बहुत प्यारा घर है उनका और आपने देखा ही होगा जाते एंट्रेंस का कि कैसा लग रहा है। अभी ऐसे ना साइड में कोई कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ है कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अंदर से बहुत प्यारा है। तो आपको बाद में जो है आप शेयर करेंगे जो उन्होंने गिफ्ट दिया मुझे, तो आपको वो भी दिखाते हैं कि क्या गिफ्ट देते हैं और यहाँ के क्या कल्चर है जब कोई जाती है लेडीज तो उनको क्या देते हैं। तो मैं अभी ना देखा भी नहीं है खोल के क्या दिया उन्होंने। तो ये शायद ना ब्लाउज पीस है, ये दो ब्लाउज पीस है और अंदर क्या है वो भी दिखाते हैं। इनके यहाँ ना यानी कि सिंदूर का जो है टिक्का लगाते हैं, ये ऑरेंज है और ये पान का पत्ता जरूर देते हैं, फूल और पान का पत्ता। और इसमें सही क्या है ये देखिए, कुमकुम है और ईश्वरी है, इसमें शायद पता नहीं क्या टीका वगैरह रहता है ये भी। तो ये सब देते हैं यानी कुछ छोटा मोटा फंक्शन करते हैं तो ये पक्का देते हैं, टीका लगाते हैं फिर उसके बाद ये देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल देंड, बाय बाय।